सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने पूरे सत्संग में आपके सब लोग जो हैं आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपकी बातों पर विश्वास और भरोसा करते हैं, पूरे सत्संग लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आज इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने 48 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद हजारों की संख्या में आज नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए और उन्होंने आगे की अपनी सारी जिम्मेवारी उठाई और उसके साथ साथ आज इस बात के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी कि सरसा लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। दूसरी जो बात है, एक प्रचार हमारे विरोधी के द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा उस बात को फैलाया जा रहा है, ना तो कांग्रेस के पास और ना ही भाजपा के पास, दोनों के पास कोई इश्यू नहीं है। भाजपा तो आज भाजपा के बड़े लीडर आए थे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण से ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये प्रेस्ट को खत्म करना चाहते हैं। मोदी योगी जैसे व्यक्ति से हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि वो भी ऐसी भाषा बोलेंगे। उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया कि जो राम को चाहता है वो भाजपा को वोट देगा और जो राम को जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो राम विद्रोही है। योगी जी खुद को भी कभी ना कभी ऐसा समय आ सकता है कि भाजपा से अलग आपको वोट डालना, इसका मतलब आप भी राम भगत नहीं रहे। राम भगत जो है हर व्यक्ति है। इन्होंने तो योगी ने मोदी ने तो अब जा करके वो राम मंदिर बनवाए, हमारे तो उस तो घरों में मंदिर है भगवान राम का और हर आदमी जो है सुबह सवेरे चाहे वो खेत में काम करने वाला है, चाहे कोई अपना बिजनेस करने वाला है, चाहे कोई सफर पे जाने वाला है, हम तो धरती को खुद से बाहर जब कदम रखते हैं उससे पहले मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं, अपने भगवान को भी मानते हैं और अपने जो पूर्वज जो है इनको हम अपना पितर कह देते हैं, इनको हम अपना भूमिया कहते हैं, हम तो उनको भी बहुत श्रद्धा के साथ उनको नमन करके फिर अपने काम को शुरू करते हैं। ये वो लोग हैं जो केवल लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे बांट करके इस देश को खत्म करना चाहते हैं, जो देश कभी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क माना जाता है आज उस मुल्क को ये बेच रहे हैं, लुटवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस के भी आपने किसी नेता का भाषण सुना होगा, किसी भी मीटिंग में उनकी बात आपने सुनी होगी, कोई भी ये कह करके वोट नहीं मांगता कि हमने 70 साल में क्या किया, ना वो ये कहते कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कह करके वोट मांग रहे हैं हरियाणा में पर्टिकुलर कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दे। जो हमारी पार्टी बहुत बड़ा इतिहास जिस पार्टी का है उसके लिए ये उड्डायन पार्टी लगातार एक बकवास कर रहे हैं, प्रचार चला रहे हैं। अब हर कांग्रेस इस बात को लेकर के लोगों में एक भ्रम पैदा करना चाह रहा है कि अभय सिंह जो है अगर उसकी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ज्यादा जीतते तो वो फिर भाजपा को जाकर के सपोर्ट कर देंगे। मैं खुला चैलेंज करके आया हूं आपके माध्यम से, फिर चैलेंज करता हूं इन लोगों को। ना तो मैंने कभी सौदेबाजी की राजनीति करी, ना मेरा इन चीजों में कभी कोई विश्वास है। जहां तक सवाल है भाजपा को कोई सपोर्ट करने की, मैं हुड्डा को इस बात का चैलेंज करता हूं, हर कांग्रेसी को करता हूं। या तो मैं ये साबित करूंगा कि कांग्रेस के लोग भाजपा की मदद में लगातार लगे हुए एजेंट के रूप में काम करें, या वो मेरे बारे में कहीं साबित करें, मेरे सामने डिबेट करें, मेरे साथ बैठे, आप जैसे साथियों को बुलाए ताकि प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को इन कांग्रेस वालों की झूठ का पता लग सके। मैं आपके माध्यम से सरसा लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बता देना चाहता हूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ समझौता अगर किसी के साथ है तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है। मैं अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ूंगा, अपने कार्यकर्ता के लिए मरूंगा।
मैं ना भाजपा के साथ जाऊंगा ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा, मैं तो किसान की आवाज को बुलंद करूंगा, जो अन्याय लोगों के साथ हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ूंगा लोकसभा में जाकर के, और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बने इसके लिए लगातार फिर कार्यकर्ताओं के बीच में 4 महीने रहूंगा और चौधरी देवीलाल की बीजेपी सरकार बनाने का काम करूंगा। आज फिर एक बार आपके माध्यम से जो लोकसभा क्षेत्र के लोग आए हुए थे उनको आज की रैली की बधाई देता हूं, उनके जुम्मे आपके माध्यम से फिर ये जिम्मेवारी लगाता हूं कि अब लगातार 4 दिन बिना थके बिना सोए जो तो आपने पिछले 5 साल में मेहनत करी है उससे भी ज्यादा मेहनत करके घर घर में जाकर के डोर टू डोर जाकर के एक एक मतदाता से संपर्क करें, और मतदाता इंतजार कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता मेरे घर तक आए, दस्तक दे और आकर के मुझसे वोट मांगे, वो वोट देने के लिए तैयार बैठे। अब तो अगर कोई कमी रहेगी तो हमारी पार्टी के पदाधिकारियों की, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे भी और अपने पदाधिकारियों पे बहुत बड़ा भरोसा है कि मेरी गैर मौजूदगी में, चुटाला साहब की गैर मौजूदगी में, चुटाला साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है, अगर वो ठीक होते तो वो जरूर सरसा के लोगों के बीच में आते, अपील करते, लोगों से मिलते, लेकिन मजबूरी है इसलिए वो आ नहीं सकते। मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने कुरुक्षेत्र निर्धारण किया, मैं कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा भर में जहां हमारे 7 उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए भी मुझे प्रचार में जाना पड़ता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हर कार्यकर्ता यहां का जो है वो अभय सिंह चौटाला बनकर के इस चुनाव को लड़ेगा और जीतेगा, हर हालत में लोकसभा जीतने का काम करेगा। आज सिरसा में बहुत भीड़ थी, बड़ा जोश था लोगों में, तो आप हिसार भी जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र भी जा रहे हैं, वहां किस तरह का होगा? सब जगह बहुत उत्साह है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे वो आपका हिसार है, चाहे आपका कुरुक्षेत्र है, चाहे अम्बाड़ा है, चाहे वो आपका सरसा है, जहां जहां हमारे प्रत्याशी खड़े हैं सब जगह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। और आप देखना 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब अलग खबर आपको मिलेगी, आप मुझे आकर किस बात के लिए बधाई दोगे कि जो बात आप कह रहे थे वो आज आगे चलेगी। बुलडोजर और धार्मिक झंडे का उपयोग किया जा रहा है, इनके पास स्वयं सोसेबाजी थी, स्वयं लोगों को बहकाने की कोई चीज नहीं है। आप धार्मिक झंडे की बात करते हो, एक चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठा व्यक्ति अगर अपने भाषण में ये कहता है कि जो भाजपा को वोट देगा वो राम भगत और जो नहीं देगा वो राम विरोधी, तो ये कहना क्या चाहते हैं, इस देश को किस तरह से बांटना चाहते हैं? ये ज्यादा बड़े राम भगत है हमारे से, ये कह करके लोगों में धार्मिक भावना भड़काना चाहते हैं, इस देश को आग लगाना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक मुल्क है, ये जितनी भी कोशिश करेंगे उतना ही लोगों का गुस्सा बढ़ जाएगा। आज योगी जी ने यहाँ सबसे पहले चौधरी साहब को भी याद किया कि त्याग की मूर्त है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को याद किए बिना सरसा की धरती नहीं, हरियाणा की धरती पे कदम रखने वाले के कदम उखड़ जाते हैं। यहाँ कदम रखने के लिए चौधरी देवीलाल के नाम का सहारा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। चौधरी देवीलाल ने अपनी जिंदगी में किसी से समझौता नहीं किया, चौधरी देवीलाल ने असूल की लड़ाई लड़ी, उनकी नीतियों को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आज कोई लोगों के बीच में लेकर के जा रहा है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, बाकी सब उनके नाम का सहारा लेकर के अपना दाव लगाना चाहते हैं, अभी बेनकाब हो गए। विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब की बार इनेलो का चश्मा का निशान चला जाएगा। चलो जो कह रहे हैं बेचारे उनको भी चश्मा लगाना पड़ सकता है, वो भी लगातार ये कहते हैं कि हमें चुटाला साहब एक बार बुला तो ले, वो तो चश्मा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता है वो जो है अगर ऐसे लोगों के दोबारा चश्मे लग गए तो उनकी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी, उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने झूठ बोलिया है, हमारी पार्टी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। कुरुक्षेत्र में कैसा मुकाबला बना रखा है किसके साथ? कुरुक्षेत्र में बहुत मार्जिन से जीतूंगा, कुरुक्षेत्र में आपके कई साथी जाकर के आए, सेकंड नंबर
आप इनसे पूछो, ये बताएगा ये जाके आया कुरुक्षेत्र, और भी कोई तुम्हारे में से गया है? सेकंड थर्ड का पता तू आजा, जा करके पूछ ले, लोग उनसे बता दे। सर किरण चौधरी ने कहा है कि उनकी जो श्रुति की टेप है वो मुझे ने कटवाई था। मुझे किरण चौधरी की वीडियो मैंने भी सुनी, बड़ी हैरानी की बात है। चौधरी बंसीलाल हमारे विरोधी रहे, हमारे साथ भी थे, हमारे राजनीतिक विरोधी भी रहे, लेकिन किसी राजनीतिक परिवार को पहली दफा मैंने देखा है कि उसको उसी की पार्टी ने हाशिए पे ला करके खड़ा कर दिया। किरण चौधरी अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रहना चाहेगी, हम उसका बहुत सम्मान करेंगे, हम उनको बहुत इज्जत देंगे। शैलजा जी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, लेकिन सपने में मतलब इनके नारे जो है, शैलजा जी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहाँ वो जो है भावी विधान मुख्यमंत्री के नारे उनके कार्यकर्ताओं को चुके। ये लोगों को बहकाने के लिए होता है, ये लोगों में भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं कि शैलजा अगली मुख्यमंत्री बनेगी। शैलजा को टिकट ही बड़ी मुश्किल से मिली, शैलजा तो चुनाव छोड़ के भाग गई थी। शैलजा यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, शैलजा ने सर्वे कराया था, उसके सर्वे में वो 1.5 लाख वोटों से हार गई थी, वो अम्बाड़ा भी नहीं जाना चाहती। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चक्कर में लेकर के फंसा करके यहां भेज दिया।